हरियाणा प्रदेश खेलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के खिलाड़ी पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी धाक रखते हैं। हमारे साथ मोरनीवा शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही स्वाति हैं। इन्होंने इंदौर में नेशनल ओपन चैम्पियनशिप, जो एक तरह से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। खुशी का माहौल है और इस वक्त इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और इनका क्या मोटिव रहेगा, क्या कहेंगे, जो कंपटीशन था वो कहाँ था और किस तरह का आप जो सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, कौन से कंपटीशन? ये इंदौर में माऊ में कंपटीशन था, ऑल ओपन इंडिया चैम्पियनशिप मैन एंड वुमेन राइफल एंड पिस्टल। ये 10 मीटर पिस्टल खेलती हूँ मैं, मेरा वहाँ पे सिल्वर मेडल आया है। सिल्वर मेडल आया तो किस एज ग्रुप में आप खेल रहे थे और पहले भी आप गए नेशनल में? हाँ जी, मैं पहले भी एक बार नेशनल में गई हूँ और एज ग्रुप में जूनियर वुमेन में खेलती हूँ। जूनियर वुमेन, हाँ जी। तो आपने अभी राइफल में जीता है सिल्वर मेडल, आपका आगे क्या उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरह से आप चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ और मतलब मैं अपने देश का, एकेडमी का, कोच का, पेरेंट्स का, सबका धन्यवाद भी करती हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आगे उनका नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। तो आप किस किस से ट्रेनिंग लेते हैं, कोच वगैरह आपके कौन है और कितने दिन से आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं 2 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरे बेसिक क्लियर करने वाले, मुझे तैयार करने वाले संदीप सर थे। सबसे बड़ा थैंक यू है मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था, और उसके बाद अंकुश सर हैं जो जिन्होंने मुझे और तैयार किया, राणा सर हैं, विनय डांगी सर हैं, और भी बहुत सारे कोच हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप और इतना एक तरह से खर्चे वाला भी गेम है ये, किस तरह से इसको उठा पाते हैं? मेरे पापा अकाउंटेंट हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो बहुत मेरे से बहुत उम्मीद है उनकी, बहुत खर्चा भी करते हैं। मैं बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? पलवल गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आगे आपने बताया कि आपका ओलंपिक में आपका एक तरह से जाने का मोटिव है, यहाँ जो आप मऊ में गए थे, और कौन कौन आपके कंपटीटर थे और किस तरह का रहा, जो पूरी जो कंपटीशन था किस तरह से रहा? कंपटीशन बहुत अच्छा था, काफ़ी टफ भी था, लेकिन बहुत अच्छा था, काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला है। और हमारे यहाँ एकेडमी से बहुत सारे बच्चे गए थे, 6 बच्चे गए थे हम यहाँ से। तो ट्रेनर हैं जोगिंदर राणा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों को, जो एक तरह से अब फिर एक नेशनल में आप मेडल लेकर के आए हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पास यहाँ पे आए, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया आपने, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि बच्चों को बेसिक, पहले सबसे पहले बेसिक क्लियर करवाते हैं भाई, उनको आगे कहीं भी ऐसी इस तरह की कोई दिक्कत ना आए ज़िंदगी में, क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बच्चा आगे बढ़ेगा, तो हम ऐसे से बेसिक में उनको पहले एक छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल तक के उनको मतलब कि कोचेज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें हम बच्चों का भी, इनकी मेहनत के ऊपर, हम तो हमारी बिटिया ये मेडल लेके आई और सिल्वर मेडल है और पहला स्टेप है इसका, और एक सीढ़ी चढ़ी है और आगे हम तो कहते हैं कि भगवान इसको आगे और ज़्यादा। तो राणा जी, अब जो कंपटीशन था ये किस शहर में आयोजित किया गया था और किस तरह का था, कितना एक तरह से बड़ा इसको? ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, और जो ये अचीवमेंट ये अब इन्होंने जो ली है, आगे आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा कि कितना बड़ा टूर्नामेंट ये मतलब करके आए हैं, पार्टिसिपेट करके आए हैं। जहाँ तक भी है कि इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल तक के मैच ये बच्चे खेल सकते हैं, तो ये मऊ में था, इंदौर में। हाँ जी, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था और नेशनल ओपन कंपटीशन था, जिसमें स्वाति ने सिल्वर मेडल जीता है और एक बार फिर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। रणदीप रोड, पंजाब के सीटीवी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।